हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप से आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम लेके आए हैं 55K के अंडर अपकमिंग कैमरा कंपैरिजन, वो भी GoPro Hero 10 एंड Sony ZV-E10 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, जैसा कि आपको पता है, GoPro एक एक्शन कैमरा है और सोनी मिररलेस कैमरा, एक DSLR कैमरा है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। और आपको पता है कि सोनी कैमरे का भगवान है, वैसे ही GoPro एक्शन कैमरे का भगवान है। लाइक एग्जांपल दी जाए तो बॉलीवुड में हम शाहरुख खान को मानते हैं और क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं। इन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। तो वही मान लो कि GoPro और सोनी, इन दोनों की कोई वो नहीं है। दोनों अपनी प्रोफाइल में बहुत ही ऊपर लेवल पे हैं, लेकिन जो आज कंपैरिजन होगा वो 55K के अंडर कैमरे के ऊपर होगा। कि बेसिकली ये सारा ओपिनियन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, GoPro Hero 10 में आपको मिलता है 23 मेगापिक्सल, वहीं Sony ZV-E10 में आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल। अगर आपको फोटोग्राफी ज़्यादा पसंद है देन आपको मैं Sony प्रेफर करूँगा कि आप Sony का कैमरा ले। इफ़ एंड अगर आपको सिनेमाटोग्राफी पसंद है तब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप GoPro Hero 10 ले, क्योंकि उसमें आपको मिलता है 5.3K रेजोल्यूशन विद 60 फ्रेम रेट, 4K रेजोल्यूशन विद 120 फ्रेम रेट, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को मोर सिनेमाटोग्राफी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और हर एक मूवमेंट को बिल्कुल स्लोमो तरीके से दिखा सकते हैं। वहीं पे आपको सोनी में मिलता है 4K रेजोल्यूशन के साथ 30 फ्रेम रेट, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमाटोग्राफी नहीं मिल पाएगी। ओके सिनेमाटोग्राफी मिल पाएगी और फुटेज दोनों की आपको पता ही है, बढ़िया है। बाकी गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिले आपकी वीडियो या फोटोग्राफी में, देन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सोनी का कैमरा ले। उसमें आपको डिफरेंट लेंस के साथ डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको वाइडर फ्रेम चाहिए विद स्टेबलाइजेशन, देन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप GoPro लें, क्योंकि GoPro में आपको स्टेबलाइजेशन तो मिलेगा हाइपर स्मूथ 4.0, जिसमें आपकी वीडियो 1% शेक नहीं होगी, और आपको इसमें एक मैक्स मोड मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने फ्रेम को वाइडर लुक दे सकते हैं। ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बताए। गाइस, अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी पसंद है या स्ट्रीट फोटोग्राफी, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सोनी को प्रेफर दे। इफ़ एंड अगर आपको लो लाइट सिनेमाटोग्राफी करनी है तब मैं आपको अपना ओपिनियन दूँगा कि आप GoPro की तरफ जा सकते हैं। सोनी में आपको मैनुअली चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी कि आपको डिफरेंट लेंस लग के आपका पार्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और आपको लो लाइट में बहुत मज़ा आएगा। GoPro में आपको मूवेबल शॉट्स के लिए GoPro बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इफ़ एंड एज अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर शूट करते हैं और उस सिनेरियो में आपका वहाँ के इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, लाइक वेदर समटाइम्स बारिश, या उस सिनेरियो में आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप GoPro को यूज़ करें, क्योंकि GoPro भी आपको एक अच्छी कैमरे के साथ, अच्छी फ्रेम रेट और अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आपको एक अच्छा आउटपुट देता है। वहीं पे Sony का थोड़ा आपको डर लगा रहेगा क्योंकि Sony एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। मीन्स अगर वहाँ पे बारिश हो गई आपका Sony ख़राब हो सकता है। फ्रेंड एज आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमते हैं, लाइक अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या आप ऐसी लोकेशन में ज़्यादा रहते हैं जहाँ पे वेदर मैक्सिमम ख़राब या बारिश वाला ही रहता है, देन आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप GoPro यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एंड एज अगर आपको कोई इंटरव्यू करना है या आपको कोई स्टैटिक वीडियो शूट करनी होती है या क्वेश्चन आंसर या टेक वीडियो शूट करनी होती है, तब मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सोनी को ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लाइक आपको एक माइक पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन पोर्ट मिल जाता है, और स्टैटिक के लिए तो आपको पता ही है कि हमारे DSLR मिररलेस कैमराज कितने ज़्यादा अच्छे हैं। यहीं पे आपको कुछ वॉकिंग शॉट्स लेने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपको भागते हुए जाना जाता है, या कहीं पे भी आपको ट्रैवल ज़्यादा ज़्यादा करते हो, उस सिनेरियो में आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप GoPro की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए GoPro बेस्ट डील हो सकती है। रही बात स्लो मोशन और टाइम लैप्स,
इस सिनेरियो में तो दोनों ही कैमरे अपनी जगह बेस्ट है। जैसा कि आपको पता है कि स्लोमो आपको GoPro में भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेम रेट्स अच्छी मिल रही है, और वही चीज़ आपको सोनी में भी एक अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आपको स्लो मोशन और टाइम लैप्स मिल जाएंगे। तो इस सिनेरियो में मैं दोनों को ऊपर रखता हूँ कि आप इस सिनेरियो में, आप अगर आपको ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी या ऐसे सिनेरियो वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तब आप कोई भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे है इस सिनेरियो पे। तो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। बाकी गाइस, फिलहाल मैं एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू वाली वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं कस्टमर के क्वेश्चंस डालूंगा और उनके कुछ रिक्वायरमेंट डालूंगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं उनको उनके लिए बेस्ट आंसर या बेस्ट कैमरा सजेस्ट करूंगा। सो इफ एंड एज अगर गाइस आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, सो देन आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए एक बेस्ट सजेशन दूंगा उसके रिलेटेड। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ क्रेजी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस।